प्रोजेक्टाइल। तो इसमें हम देखते हैं कि बेसिकली प्रोजेक्टाइल होता क्या है, कि इसको हम रिजॉल्व किस तरह करते हैं इनटू इट्स कंपोनेंट्स, और किस तरह इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। फॉर्म ऑफ टू डायमेंशनल मोशन एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल दैट इज थ्रोन नियर द अर्थ सरफेस एंड मूव्स अलोंग ए कर्व पाथ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ओनली पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स ट्रिजेक्ट्री। प्रोजेक्टाइल को सबसे पहले हम क्या है कि टू डायमेंशन कंसीडर करते हैं, कि टू डायमेंशन में हम इसको रिजॉल्व करते हैं। ये हमने वेक्टर जो है वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जब हम किसी चीज़ को रिजॉल्व करते हैं टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स में, तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं इनको है कि रेजोल्यूशन ऑफ ए वैक्टर कहा जाता है, ये कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर कहा जाता है। तो सेम उसी तरह हम इसमें प्रोजेक्टाइल को क्या है कि टू कंपोनेंट्स में कंसीडर करेंगे। एक इसका क्या है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और दूसरा इसका वर्टिकल कंपोनेंट। फॉर्म ऑफ टू डायमेंशनल मोशन, तो ये टू डायमेंशनल मोशन होती है एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल, के एक्सपीरियंस करता है बाय एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल इज थ्रोन नियर द अर्थ सरफेस, ये है कि हम उसको अर्थ सरफेस के थ्रो करते हैं। इसको हम इस तरह देख सकते हैं कि अर्थ सरफेस से क्या मुराद है, तो प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं तो थ्रो करने की वजह से इसमें क्या है कि हम इसको जब रिजॉल्व करते हैं इसको इनटू इट्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है इसको हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट्स है इसको हम क्या है कि जो फोर्स इस पे अमल कर रही थी है वो ड्यू टू इस ग्रेविटी है, ओनली द फोर्स एक्टिंग ऑन प्रोजेक्टाइल इज ग्रेविटी। तो इस वजह से हम इसको कंसीडर करते हैं कि नियर दी अर्थ सरफेस। तो ये बेसिकली वजह है कि अर्थ सरफेस के करीब हम क्यों इसको रिजॉल्व करते हैं। एंड मूव्स अलॉन्ग ए कर्व पाथ, और क्या है कि ये कर्व पाथ में मूव करती है। बेसिकली जो प्रोजेक्टाइल की जो मोशन होती है वो पैराबोलिक होती है, इसमें जो पैराबोलिक की मैथमेटिक्स है इसके लिहाज से इसको सॉल्व किया जाता है कर्व पाथ के अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ओनली, ये वाली फोर्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करती है सिर्फ, कि ग्रेविटी की वजह से इस पे जो फोर्स अमल कर रही होती है, यानी जब आप इसको थ्रो कर देते हैं थ्रो करने के बाद जो फोर्स इस पे अमल करती है वो ओनली द फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है। इन पार्टिकुलर द इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस आर अज्यूम्ड टू बी नेग्लिजिबल, और जब क्या है कि हम कंसीडर करते हैं इसमें अदर फैक्ट्स जो है कि एयर रेजिस्टेंस और इस तरह के रेजिस्टेंसेस वगैरह को नेगलेक्ट करते हैं। इसकी वजह क्या है कि जब हम इन चीज़ों को कंसीडर करते हैं तो आपके पास जो एग्जैक्ट पाथ है वो पैराबोलिक या नहीं बनता, इस वजह से इसकी मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, इसको सॉल्व करना भी मुश्किल हो जाता है। तो हम इसको क्या है कि बेसिक्स को पढ़ने के लिए हम ये चीज़ों को निगलेक्ट कर देंगे, यानी एयर रेजिस्टेंस और अदर फैक्ट्स को निगलेक्ट कर देंगे। और जो पाथ क्या है कि जो प्रोजेक्टाइल मूव जो है अडॉप्ट करता है इसको ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल कहा जाता है, कि इस कॉल्ड दी इट्स ट्रेजेक्ट्री। तो इसके एग्जांपल क्या हो सकती है, फुटबॉल और क्रिकेट बॉल हिट इनटू एयर ए शेल फायर्ड फ्रॉम ए कैनन एंड ए स्टोन थ्रोन डाउन द हिल आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये सारी एग्जांपल्स क्या हैं प्रोजेक्टाइल्स की हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन ओनली अकर्स व्हेन देयर इज वन फोर्स अप्लाइड एट द बिगनिंग ऑफ द ट्रेजेक्ट्री। प्रोजेक्टाइल मोशन कब अकर करती है कि जब जब आपको इसको हिट करने लगते हैं फुटबॉल को तो इस पे एक फोर्स अमल करे, आफ्टर विच देर इज नो फोर्स एक्ट अपार्ट फ्रॉम ग्रेविटी, और जब क्या है कि प्रोजेक्टाइल मूव कर जाता है तो इस पे कोई फोर्स अमल नहीं करती अदर देन ग्रेविटी। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन हैज ए मैग्नीट्यूड क्या है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड, वाइल द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हैज ए मैग्नीट्यूड ऑफ 0 मीटर पर सेकेंड उसमें है। तो हमने पहले सपोजिशन क्या कही थी कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स क्या है कि कांस्टेंट होता है या 0 के बराबर होता है, उसमें चेंज नहीं आती, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम 0 के बराबर लेते हैं, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट फोर्स इस पे अमल करती है वो ओनली द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। हम जानते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर के बराबर होता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आपका 0 हो गया, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट्स पे जो फोर्स होते हैं इसका एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर के
के बराबर होगा। ये बेसिकली हमारे पास प्रोजेक्टाइल है, यहाँ से ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे ही आपने इसको हिट किया, ये क्या है कि एंगल थीटा बनाती है विद एक्स एक्सिस या विद हॉरिजॉन्टल, तो ये वाली जो इस पे जो मूव करती है इसको हम क्या है कि ट्रेजेक्ट्री ऑफ दी प्रोजेक्टाइल कहते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा। तो हमने इसमें क्या कंसीडर किया था कि आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स क्या है कि जीरो के बराबर होता है, वर्टिकल कंपोनेंट्स आपका माइनस जी के, वर्टिकल एक्सेलरेशन है वो माइनस जी के बराबर होता है। ये माइनस साइन हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपका ड्यू टू ग्रेविटी है और ये जो है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ अट्रैक्ट होती है। तो ये बेसिकली हमारे पास जो एग्जाम्पल थी इसकी फुटबॉल वाली के, ये वाली फोर्स इस पर अमल करती है। अगर हम इसको रिजॉल्व करें टू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स, ये हमने जो मैंने पहले भी बताया कि वेक्टर एनालिसिस में पढ़ा था कि रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में हम किस तरह रिजॉल्व करते हैं इसको वर्टिकल कंपोनेंट्स और इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में। इसको अगर ट्राइंगल ओ पी क्यू या ओ क्यू पी में देखें, राइट एंगल ट्राइंगल में आपके पास cos थीटा की बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस के बराबर होता है, और बेस आपके पास किसके बराबर आ जाएगी, हाइपोटेन्यूस मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा या cos क्यू। हमने क्या है कि बेस हमारा वी नॉट cos थीटा के बराबर हो जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूस आपके पास वी नॉट के बराबर है, और बेस आपका का बी ए एक्स या ओ एक्स के बराबर कह सकते हैं। तो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स किसके बराबर आ जाएगा, वी नॉट cos थीटा के बराबर आ जाएगा। और इसी तरह हम सबका साइन क्यू या साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस के बराबर होता है। परपेंडिकुलर किसके बराबर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस साइन क्यू या साइन थीटा। ये भी इसी तरह आपका वी नॉट साइन क्यू के बराबर आ जाएगा या साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। प्रोजेक्टाइल था, हमने इसको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया, इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और वर्टिकल कंपोनेंट्स। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है वो वी नॉट cos थीटा के बराबर आ जाएगा, और आपका वर्टिकल कंपोनेंट्स हमारा वी नॉट sin थीटा के बराबर आ गया। अब हम देखते हैं कि आइडियल प्रोजेक्टाइल, तो मैंने पहले भी बताया कि आइडियल प्रोजेक्टाइल के लिए हम क्या है कि कंसीडर करते हैं उसका कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स जीरो के बराबर होता है, वर्टिकल कंपोनेंट्स आपका माइनस जो वर्टिकल एक्सेलरेशन है वो माइनस जी के बराबर होता है, और जो फोर्स इस पे एक्ट करती है वो ओनली दी फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है। तो इसमें और भी एक कंसीडरेशन है कि इसमें हम अदर फैक्ट्स हैं जो उनको एयर रेजिस्टेंस और इस किस्म के दूसरे फैक्ट्स हैं इनको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। आइडल मोशन नेगलेक्ट्स एयर रेजिस्टेंस, आइडल मोशन में हम एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करते हैं, विंड स्पीड को हम नेगलेक्ट करते हैं, स्पिन ऑफ दी प्रोजेक्टाइल को ओमिट कर देते हैं, एंड अदर इफेक्ट इन्फ्लुएंसिंग द फ्लाइट ऑफ रियल लाइफ प्रोजेक्टाइल। और इसके अलावा अगर कोई दूसरे भी जो इफेक्ट्स हैं इन सब को हम क्या है कि नेगलेक्ट कर देते हैं। तो हम आइडियल बेसिकली हम इसलिए करते हैं कि हमारे पास एक बेसिक्स थ्योरी आ जाए, फार्मूलाज आ जाए, इसको हम अप्लाई करके बाद में इन इफेक्ट्स को तो हम देख के बाद में हम इक्वेशंस बनाते हैं या उसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर रियलिस्टिक इक्वेशन इन विच फुटबॉल और क्रिकेट बॉल मूव्स इन द एयर, द एक्चुअल ट्रेजेक्टरी इज नॉट वेल डिस्क्राइब्ड बाय द प्रोजेक्टाइल मोशन एंड रिक्वायर्स मोर सोफिस्टिकेटेड एनालिसिस। तो ये नेक्स्ट हमें क्या बताता है, तो अगर हम क्या है कि आइडल कंसीडरिंग करते तो हमारे पास जो ट्रेजेक्टरी बनती है वो आइडल पैराबोलिक नहीं होती, तो इसमें और भी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, और भी चीज़ें इन्वॉल्व होने की वजह से इसको जो सॉल्व किया जाता है तो इसको में इसकी जो कैलकुलेशन है, जो इसकी मैथमेटिक्स है, काफ़ी मुश्किल हो जाती है, इसको सॉल्व करना आसान नहीं होता। तो इस कंडीशन में इस वजह से हम क्या है कि बेसिक्स को पढ़ने के लिए हम क्या है कि आइडियल कंडीशन को सपोज करते हैं। हियर वी विल कंसीडर ओनली आइडियल मोशन ऑफ द आइडियल मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल कैन फर्दर बी सिंप्लीफाइड बाय रिजॉल्विंग इनटू हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स। इससे बचने के लिए हमको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हो जाता है, एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट्स हो जाता है। ये आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, ये आपके पास कोई वेक्टर है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में क्या है कि आपका यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं एक्स एक्सिस पे, तो ये आपका एक्स जो कंपोनेंट आ जाता है, ये आपका वाई कंपोनेंट्स आ जाता है। एक्स और वाई कंपोनेंट्स ये आपके जो वेक्टर ए कह लें या एफ कह लें या इसके जो है कि रेजोल्यूशन कंपोनेंट्स या इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो वेक्टर ए का डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से कितना है और वाई एक्सिस से
कितना है। प्रोजेक्टाइल की मोशन थी, जैसे ही जैसे मूव कर रहा है तो ये आपका हॉरिजॉन्टल, ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट्स हो जाएगा, ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हो जाएगा। सेम उसी तरह ये हम क्या है कि इसको रिजॉल्व करते जाते हैं, यहाँ जाके इसका जो जो कंपोनेंट है वो जो ओनली कंपोनेंट है वो आपका कौन सा हो जाएगा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हो जाएगा, इसमें वर्टिकल कंपोनेंट्स आपका जीरो हो जाएगा। इसके बाद क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट्स की डायरेक्शन क्या है कि प्रोजेक्टाइल स्लो होना शुरू हो जाता है तो इसकी इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाती है। प्रोजेक्ट वेलोसिटी इसमें इसकी किसके बराबर होगी, इसको हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। कंसिडर द प्रोजेक्टाइल विच इज थ्रोन एंड विद अ सर्टेन वेलोसिटी वी नॉट। कंसिडर करते हैं कि एक प्रोजेक्टाइल को हमने थ्रो किया वेलोसिटी वी नॉट के साथ और जो मेकिंग एन एंगल थीटा विद दी हॉरिजॉन्टल, और जो एक एंगल बना रही थी थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ। From the figure 3.2 we see that the horizontal component of velocity remains constant throughout the flight. तो हमने यही जो आइडियल कंडीशन में यही कंसिडर किया था, जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है वो कांस्टेंट रहता है, इस वजह से इसकी वैल्यू जीरो के बराबर लेते हैं, इसमें चेंज नहीं होता है। While the vertical components of velocity changes uniformly and is zero at highest point. जबकि वर्टिकल कंपोनेंट आपका वेलोसिटी का है कि चेंज हो जाता है और ज़ीरो होता है आपका हाईएस्ट पॉइंट। कहते हैं कि आपने अगर एक बॉल को ऊपर जैसे ही आप मूव करते हैं या फेंकते हैं तो क्या होता है कि वो आपकी जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। जैसे आप फेंकते हैं वो बॉल बहुत स्पीड के साथ मूव करती है, उसके बाद स्लो होना शुरू हो जाती है, एक पॉइंट पर जाके बाल वो है कि रुकती है और इसके बाद दोबारा नीचे गिर जाती है। तो बेसिकली इसमें हम इस तरह कह सकते हैं कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम होना शुरू हो जाती है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी आपकी बढ़ना शुरू हो जाती है, और जो स्पेसिफिक पॉइंट है जहाँ जाके आपकी काइनेटिक एनर्जी जीरो के बराबर आ जाती है। काइनेटिक एनर्जी जीरो के बराबर कैसे होगी, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम जानते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होता है, यानी जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आपका जो है कि बॉल जैसे ही रुकती है, रुकने की वजह से वेलोसिटी जीरो होती है, वेलोसिटी जीरो होने की वजह से आपकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। तो इस पॉइंट पे आपकी काइनेटिक एनर्जी टोटली कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में, और फिर इसके बाद जैसे ही बॉल नीचे गिरना शुरू हो जाती है तो फिर आपकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। टू फाइंड द वेलोसिटी वी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट अ सर्टेन टाइम टी वी हैव टू फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स। तो फिर हम क्या है कि इसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स को फाइंड करते हैं। ये इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग एक्स एक्सिस हमने पढ़ा है कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो हमने क्या कहा था कि वी एफ वी एफ एक्स क्या है कि वी आई एक्स या वी एफ एक्स आपकी जो वेलोसिटी है किसके बराबर होगी, वी नॉट कॉस थीटा के बराबर होगी, और एक्सेलरेशन हमने क्या कहा था कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट या जीरो के बराबर होता है, तो इस वजह से इसको जीरो लेते हैं, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट्स हमारा चेंज होता रहता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो आपका वी एफ एक्स जो है कि वो वी नॉट कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा और ए आपका जीरो आ जाएगा और टी के साथ मल्टीप्लाई होकर ये भी जीरो आ जाएगा। तो वी एक्स किसके बराबर आ जाएगी, हमारे पास वी नॉट कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो हमने पीछे इसमें इक्वेशन में निकाला था, तो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी नॉट कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। अब यही वाली इक्वेशन क्या है कि लॉन्ग वाई एक्सिस हम उसमें पुट करने की कोशिश करते हैं, तो वी एफ आई इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस ए टी। तो वी आई वाई हमने पता है कि वी नॉट साइन थीटा के बराबर होता है और ए हमारा किसके बराबर था, माइनस जी के, कि हमने ये कहा सपोज किया था कि जो फोर्स इसमें ओनली अमल कर रही है वो इसकी ग्रेविटी है, तो यहाँ आपकी वैल्यू क्या है कि माइनस जी के बराबर आ जाएगी। तो इसमें हम क्या है कि वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यूज पुट करने से देखते हैं कि ये आपका किसके बराबर आ जाएगा, वी नॉट साइन थीटा के बराबर आ जाएगा और ये वाली वैल्यू माइनस जी टी के बराबर आ जाएगी। तो माइनस साइन हमको ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये माइनस साइन हमें बताता है कि ये अगेंस्ट ग्रेविटी जो आप जा रहे हैं इसकी वजह से ये माइनस साइन है। तो अब हमने क्या किया कि इसको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और वर्टिकल कंपोनेंट्स। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और वर्टिकल कंपोनेंट्स आ गए। इसके बाद हम क्या मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, तो मैग्नीट्यूड के लिए हमारे पास क्या था, अगर हम किसी के फैक्टर ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो ये हम उसके ए एक्स प्लस ए वाई
इन दोनों का स्क्वायर अलग रहते थे और इनके अंडर रूट इस तरह रहते थे। बड़े बेहतर तरीके से इसमें हमने इसको डिफाइन किया है कि आपका जो जब भी किसी चीज़ का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो ये आप उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और वर्टिकल कंपोनेंट्स का हम स्क्वायर ले लेते हैं। तो हमने वेक्टर के वेक्टर इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के हम डायरेक्शन कंसिडर कर रहे होते हैं या मैग्नीट्यूड कर रहे होते हैं तो इसमें हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को कंसिडर करते हैं, डायरेक्शन को कंसिडर नहीं करते। तो इसका अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो इसमें वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास वी एक्स किसके बराबर आया था, वी नॉट कॉस थीटा के बराबर आता है, जबकि वी नॉट जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई किसके बराबर आया था, वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी के बराबर आया था। इस इक्वेशन के लिहाज फाइंड कर सकते हैं। ये हमारी 3.1 इक्वेशन आपको मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है। अब क्या है कि इसमें है जब आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और वर्टिकल कंपोनेंट्स आ गए तो हम डायरेक्शन किस तरह फाइंड कर सकते हैं। वेक्टर एनालिसिस पढ़ा था कि जब भी किसी चीज़ की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, ये पता है कि हमें टैन थीटा जो वेक्टर ट्रायंगुलर एनालिसिस में टैन थीटा आपका वाई ओवर एक्स के बराबर होता था, और अगर हमें थीटा फाइंड करना है तो हम ये करते थे टैन इनवर्स ऑफ वाई अपॉन एक्स, यानी उसके जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है उसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स से डिवाइड कर देते हैं तो वहाँ से आप हमारे पास उसकी जो है कि डायरेक्शन आ जाती है। तो पुटिंग द वैल्यूज, अगर इसमें वैल्यूज पुट करें तो हमारा जो वर्टिकल कंपोनेंट्स था वो किसके बराबर था, वर्टिकल कंपोनेंट्स हमारा वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी के बराबर था, जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हमारा वी नॉट कॉस थीटा के बराबर था। अगर इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो आपका वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन वी नॉट कॉस थीटा उसमें आ जाता है। तो यहाँ से हम है कि इसकी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं कि किस एंगल पे आपने प्रोजेक्टाइल को हिट किया। तो ये इसकी बेसिक्स प्रोजेक्टाइल की, जिसमें हमने इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और वर्टिकल कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, इनकी वेलोसिटीज फाइंड की, वेलोसिटीज फाइंड करने के बाद उनका मैग्नीट्यूड फाइंड किया, मैग्नीट्यूड फाइंड करने के बाद उनकी डायरेक्शन फाइंड की। अब हमारे पास दो तीन क्वांटिटीज हैं, उनको देखते हैं कि किस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं।